शान, इसे छोड़ो। साहब की गाड़ी साफ करो, उन्होंने ऑफिस जाना। ऐमन, ऐमन हमाद की कॉल आ रही है। बेटा फोन सुनो, बेटा फोन सुनो। ऐमन, यू आर सच अ लेजी गर्ल। हमारे बीच कोई आए ना आए, तुम्हारी नींद जरूर आएगी। ऐमन बेटा हमाद से बात करो। हेलो ऐमन। हमाद बेटा। हाँ जी, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हारी और ऐमन की मंगनी की खुशी में मैं तो एकदम से ठीक हो गई। पर आंटी, आपकी खुशी तब पूरी होगी जब ऐमन सो के उठेगी। उफ, क्या करूं मैं इस लड़की का। आंटी, मैं दरअसल रास्ते में ही हूँ, बंटी को लेकर आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप प्लीज ऐमन को उठाकर तैयार करवा दीजिए। अच्छा बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं इसे अभी उठाती हूँ। थैंक यू आंटी। ऐमन, बिनेश बीबी, हमारे साहब आपको बुला रहे हैं, वो ड्राइंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। इडियट, तुम्हें तो मैंने बोला था कि उनको बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। जी मैं कह रही थी, बेगम साहब ने बता दिया। बिनेश, हम आज काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ आराम से खड़ी हो। जाओ तुम यहाँ से। क्या बात है बंटी, ऐमन भी इंतजार कर रही होगी तुम दोनों का? मेरा मूड नहीं। तुम जानती तो हो बेटा, वो दोनों भी तुम्हारे बगैर शॉपिंग पर नहीं जाएंगे। गौहर को भी अचानक इस्लामाबाद जाना पड़ गया है, तुम्हें तो जाना चाहिए ना। कोई जरूरी नहीं है। क्या कह रही हो बंटी, तुम चारों तो एक दूसरे के बगैर जरा से भी शॉपिंग नहीं कर सकते। और ये तो ऐमन और हमाद की जिंदगी का अहम तरीन दिन है, तुम ऐसे मौके पर पीछे हट जाओगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बस मूड नहीं था। जाती हूं। देर हो गई, बस नहीं आई। ऑफिस जाना है, पता नहीं कब आएगी बस। बेटा तुम्हें पता है बस कब आएगी?
बेटा कुछ परेशान लगते हो, घर में परेशानी है क्या? तो एक्सीडेंट बचाते बचाते तो गाड़ी रोड से उतारनी पड़ी है, उस बेचारे पे पानी भी पड़ गया सारा। भाई किसको हंसी आ रही है यहाँ पे? अरे भाई छोड़, ये तो बेवकूफ है, तू तो पढ़ा लिखा है। बोल, ये बेगैरत तो अमीर लोग जो अंधे होते हैं उन्हें नहीं नजर आते, गरीब लोग कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। साले सारे कपड़ों का बड़ा गलत कर दिया। हमारा तुम्हें कम अज कम उससे माफी तो मांगनी चाहिए थी। क्या बंटी, जो आम से गरीब लोग होते हैं ना, कि हम जैसे अमीरों को देख के बिला वजह जज्बाती हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता था कि हमें प्रॉब्लम कुछ फस क्रिएट हो। अच्छा खैर, मैंने आज तुम दोनों के एंगेजमेंट के लिए बहुत सारी शॉपिंग कर ली। रियली? ऑफ कोर्स, कोई शक? शक तो मुझे है तुम पर। क्या? बंटी, यू नो व्हाट? आई थिंक यू आर इन लव। Oh, come on. मैं अभी जिंदगी से इतनी बेजार नहीं हूँ कि मोहब्बत जैसी फजूल चीजों में पड़ जाऊँ। तो तुम्हारे लिए मोहब्बत फजूल चीज है? बिल्कुल। तो मुझे ये भी पता है कि तुम आजकल मोहब्बत के बारे में कुछ भी नहीं सुनोगे, खुद जो इश्क फरमा रहे हो। क्या मतलब? हमाद, एक बात पूछो। पूछो। हमाद, तुम और रेमन फैमिली टर्म्स की वजह से नया रिलेशन शुरू करने जा रहे हो, ये तो सामने की बात है। तुम एमन से कितनी मोहब्बत करते हो? आंटी, इस बात का ये जवाब तो नहीं हो सकता कि मैं एमन से 10 किलो मोहब्बत करता हूँ या उससे 4 किलोमीटर मोहब्बत करता हूँ। what I'm trying to say is कि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं एक दूसरे के। अब इस दोस्ती के अंदर मोहब्बत का एलिमेंट कब शामिल हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बंटी मैं इतना जानता हूँ कि सिर्फ एक शख्स के बारे में सोचना और फिर सोचते ही चले जाना, ये मोहब्बत ही है। What do you think? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझसे यूँ पूछ रहे हो जैसे मैंने मोहब्बत में PhD कर रखी है। और प्लीज, ये प्यार मोहब्बत जैसी फजूल चीजों से मुझे माफी रखो। और हमारे सामने देखकर गाड़ी चलाओ यार, मेरा इतनी जल्दी दुनिया से जाने का कोई इरादा नहीं है। मेरा भी। एमन, मेरी जान उठ जाओ ना, देखो क्या टाइम हो गया है। बहुत अच्छा टाइम है, मेरी मामा मेरे पास है एंड दैट्स नाउ। तुम्हें पता है 2 दिन बाद मंगनी है तुम्हारी, और बचपना देखो जैसे छोटी सी बच्ची हो। हाँ तो हूँ ना, आप लोग खामखा मेरे पे जबरदस्ती मंगनी शुदा का टैग लगाना चाहते हैं। एमन, तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से? मामा ऐसा क्यों कह रही है? बेटा, तुम बार बार ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं सबके लिए मेंटली तौर पे रेडी नहीं हूँ। तो हम कौन सी तुम्हारी शादी कर रहे हैं बेटा? जब तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो तुम्हारी मर्जी से शादी करेंगे। ये तो तुम्हारे पापा की, खास तौर पे मेरी खुशी के लिए। फिर शायद प्लीज ऐसा, आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे बेटा। हकीकत को फेस करना सीखो। आप सिर्फ अच्छी बातें करेंगी, आपने मुझसे रात को प्रॉमिस किया था। तो प्रॉमिस तो आपने भी मेरे साथ किया था कि सुबह अच्छे बच्चों की तरह जल्दी उठोगी, मेरे साथ कामों में हेल्प करोगी। उससे सुबह नहीं उठा जाता, वो भी जल्दी, बहुत मुश्किल लगता है। सॉरी। अच्छा उठो ना, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमाद पहुंचने वाला है। और तुम्हें एमन की बच्ची, तुम अभी तक बिस्तर में हो। और आंटी, आप भी हद करती हैं, आप उसे कुछ भी नहीं कहती। और तुम, पानी लेकर आती हूँ मैं वॉशरूम। उठ गई, उठ गई। 10 मिनट है एमन तुम्हारे पास, तुम अगर 10 मिनट में रेडी ना हुई ना तो 11वें मिनट में वो हाजिर होगा ना। तो डोंट यू वरी, 9 मिनट में रेडी होके नीचे आ रही हूँ। 10 मिनट्स ओनली।
ओके। ये लीजिए जनाब गर्मा गर्म चाय। वैसे तीसरा कप है आपका। भाई थैंक्स, शुक्रिया। आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? भाई मैंने राशिद से बात कर ली थी, कम से कम ये 3 दिन तो मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगा। ताहिर, आप ऑफिस से बहुत ज्यादा ऑफ करने लग गए। बिजनेस अगर पार्टनर्स के भरोसे पे चलने लगे तो फिर तो। भाई प्लीज शुमाइला, मैं कोई नसीहत सुनने के मूड में नहीं हूँ। भाई हमारी इकलौती बेटी की एंगेजमेंट है, कोई मजाक थोड़ी है। और बिजनेस का क्या है, वो तो सारा साल होता ही रहता है और होता ही रहेगा। अब क्या सोचने लगी? किसका फोन था? डॉक्टर रिचर्ड से बात कर रहे थे ना आप? रिपोर्ट्स आ गई सारी? हाँ। फिर? भाई कम से कम डॉक्टर ने होप तो दिलाई है ना। उनका कहना है कि 80% चांसेस हैं ऑपरेशन के कामयाब होने के। और ये सिर्फ उन्हीं की ओपिनियन नहीं है, बाकी पैनल का भी यही ख्याल है। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं भाई, कुछ ही दिन तो लगेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ एंगेजमेंट के नेक्स्ट डे की टिकट्स करवा लेते हैं, और ऑपरेशन की डेट तो हमें पहले ही मिल चुकी है। प्लीज ताहिर, आप ये 2 दिन ऐसे कोई बात न कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ यमन की खुशियों को महसूस करना चाहती हूँ। अपनी अजियतनाक बीमारी को भूलकर सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहती हूँ। भाई जैसे तुम्हारी मर्जी। हम आद और यमन क्या शॉपिंग पे चले गए? नहीं, अहमन तैयार हो रही है। आप ये बताएं कि इनविटेशन कार्ड सारे दे दिए, कोई बच्चा तो नहीं? नहीं भाई, कोई नहीं रह गया, सब हो गया। तुम फिक्र ना करो। दस बज गए आपके? 10 बजे मार्केट में जाके झाड़ू लगानी है तुमने क्या? क्योंकि मार्केट तो प्रॉपरली 12-1 बजे खुलती है। इसका मतलब है तुमने बिस्तर से 11 बजे निकल के गलती की। ऐसी भी कोई गलती नहीं की, क्योंकि 12 तो बज ही चुके हैं। किसके? तुम्हारे। हेमन, तुम खुश तो हो ना? खुश नजर आने के लिए कुछ और भी करना पड़ता है क्या? क्या? वो ही तो पूछ रही हूँ। खुश नजर आ रही हूँ, जाहिर है खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। चलो या यही आंखों से एक दूसरे का फोटो सेशन करते रहोगे? क्या मतलब? मतलब ये किस तरह रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे को देखने का मौका भी परसों आएगा। चलें? जी जी चलिए। दोनों लड़कियों के बीच में मेरा जो सैंडविच बनेगा उसका मैं बहुत अच्छी तरह अंदाजा लगा सकता हूँ। वो
छोटे को भेज देते ना। तुम्हारी दुकानदारी का यही तो वक्त होता है, हर जो रहा होगा। अरे वो कमबख्त दो दिन से बीमारी का बहाना करके घर में पड़ा हुआ है, अब के मैंने उसे निकाल ही देना। तुम सुनाओ, सल्लू वर्कशॉप में सही काम कर रहा है ना? हाँ सही है। कौन सा डिजाइन लेकर आए? हाँ ये वाला डिजाइन है, ये देखो। और ये है कपड़े, बना लोगी ना? हाँ हाँ बना लूंगी, पर इसको यहीं छोड़ जाओ, चार दिन के अंदर अंदर बनाने होंगे। मार्केट में इस वक्त इस डिजाइन की बड़ी डिमांड है। वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या मुश्किल है? नहीं नहीं मुश्किल नहीं है, इस डिजाइन के पैसे मैं डबल लूंगी। अरे डबल ऐसे ही लोगी? ये डिजाइन तुम पहले भी कई मर्तबा बना चुकी हो, अब तुम डबल लोगी? हाँ तो पुरानी बात हो गई ना, अब हालात भी तो देखो क्या जा रहे हैं, इतना मुश्किल से गुजारा होता है। अरे जायदा बीबी, मैं तुम्हारे घर के हालात देखकर इधर आ जाता हूँ, वरना मोहल्ले की 10 औरतें मेरी राह तक रही होती हैं। तुम कहती हो तो मैं उनको दे देता हूँ, वो काम कर लेंगी। नहीं नहीं अब देखो ना, 200 रुपया तो बहुत कम है, कम से कम 300 रुपया हो ना, तो ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, बस 300 रुपये लूंगी मैं। एक पैसा नहीं ज्यादा दूंगा 200 से, वही 200 रुपया दूंगा जो तुम पहले लेती हो इस काम का। नहीं करना काम तो मैं अपना सामान उठा। नहीं नहीं मैं कर लूंगी, मगर अगली बार मैं इतने पैसे नहीं लूंगी। आइंदा की आइंदा देखी जाएगी। तुमने तो बहस कर करके मेरा गला ही खुश कर दिया है। ये अपनी मुनिया से कहो एक गिलास पानी तो पिलाए। मैं खुद लेकर आती हूं। जल्दी आइए, मैंने बैंक भी जाना है। सारी सेल उठा लाया, अभी जाके बैंक में जमा करानी। अस्सलाम वालेकुम। तू अंदर नहीं जा सकती थी है? पारस परो।